हेलो फ्रेंड, चावला स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे केबीसी ग्लोबल के बारे में। डेली अपडेट वीडियो, इस दिन से अपर सर्किट क्या कंपनी डीलिस्टिंग होगी, ये वीडियो आपकी लाइफ बदल देगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में केबीसी ग्लोबल का एक भी यूनिट है ना, ये वीडियो ओनली आपके लिए। डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, 2.30 रुपये का हाई बनाया था, 2.20 रुपये का लो बनाया था। जहां ओपन हो रहा है वहीं क्लोजिंग दे रहा है, मतलब 2.20 रुपये 21 रुपये से लगातार कंपनी गिरी। अब ये काफ़ी टाइम से कंपनी है, पूरी क्रेश हो गई। यहां पर आप देख सकते हो 99% कंपनी क्रेश हो गई है, और जहां कंपनी शुरू हुई थी ना, वहीं से भी नीचे आ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, पहले कंपनी डिविडेंड भी देती थी, बोनस भी देती थी, 2021 की बातें हैं, लेकिन उसके बाद में कंपनी पूरी है जो क्रेश हो गई है। अब इसमें देखो ये क्या हो रहा है कि जहां कंपनी शुरू हुई थी ना, यहां पर देखो आज कंपनी वहीं पर है। जहां पर 2017, 2018, 2019, 2020 में कंपनी थी वहीं पर है, और अब जितना गिनना थी 99% कंपनी क्रेश हो गई। भाई यहां से नीचे कहां जाएगी, आप खुद देख लो। चार्ट है, एडवांस चार्ट है यहां पर, और आप खुद देख लो भाई, ये देख लो और यहां पर ये देख लो, कहां जाएगी नीचे। जितना गिनना थी कंपनी गिर गई, तो ये लेवल तो तोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। फिर भी सपोर्ट देख लेते, 2.20 रुपये, 2.15 रुपये, 2.10 रुपये, मतलब 2.20 रुपये के नीचे नहीं जा रही है। देखो इस कंपनी ने कोई रिटर्न निकाल के नहीं दिया, एक वीक में चलना शुरू किया है, बट अभी भी देखो 100% पूरा माल लोग घर पे लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो सभी लोगों ने बोल दिया कि सेल कर दो इसको, सभी ने बोल दिया कि सेल कर दो। लेकिन मैं बता दूं, देखो अगस्त में ही ऑपरेटर लोग जो मंगल ग्रह के प्राणी हैं वो माल बेच के हैं, जो भाग गए हैं। और हर क्वार्टर कंपनी के मालिक माल बेच रहे हैं, और पहले डीआई वाले खरीद रहे थे एफआई वाले, लेकिन वो एफआई वाले भी भाग गए हैं। अब ये देख ली थोड़ी डिटेल और देख लेते हैं। नासिक और महाराष्ट्र में एक इसका बिजनेस है, 17 प्रोजेक्ट में काम कर रही है, 3 प्रोजेक्ट और लगा रही है। 138 करोड़ की कंपनी है मात्र, इस पर 90 करोड़ का डेप्ट है और 80 करोड़ रुपये केस पड़ा है। एक भी शेयर इसका गिरवी नहीं है। प्रमोटर के पास में 12-13% एसेड पड़ा है 221 करोड़ का, यानी अपने मार्केट कैप से ज़्यादा एसेड पड़ा है कंपनी की। देखो यहाँ पर ना तो सेल्स हो रही है ना कोई बात, क्वार्टर सेल्स माइनस में, सेल्स ग्रोथ माइनस में, दोनों माइनस में है कंपनी, और अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे आपको कंपनी मिल रही है। ध्यान रखना, 2.27 रुपये की बुक वैल्यू है, उससे नीचे आपको कंपनी मिल रही है। थोड़ी डिटेल और ले लेते हैं। यहाँ पर देखो इंडिकेटर क्या बोल रहे, कंपनी पूरी वीकनेस दे रहा है, स्टॉक एक है, अपॉर्चुनिटी एक है, टेरिस कुछ नहीं है। नेगेटिव चीज़ें कंपनी में 16 है और पॉजिटिव 7 है, इंडिकेटर यही बोल रही है। और यहाँ पर शेयर देखो, कंपनी है यहाँ पर शेयर पूरा बेरिस है, एक बुलिस है, 15 बेरिस है, एक बुलिस है धीरे धीरे। और 100% पिछले एक महीने से 100% माल लोग घर पे लेके जा रहे हैं। पहले एफआई वाले के पास में 21-22% की हिस्सेदारी थी, उन्होंने भी सितर में बेच दी है। प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी हर क्वार्टर बेच ही रहे हैं। और यहाँ पर देखो ऑपरेटर, यहाँ पर ऑपरेटर का 30 सितंबर को तांडव हुआ था, 30 सितंबर को उन्होंने माल भी बेचा है। अब आपको क्या करना है, देखो दोस्तों कंपनी जो गिरी, एक तो 99% कंपनी गिरी हुई है, नीचे जाने के लिए कोई जगह नहीं है, खुद देख लो। दूसरी बात, पिछले देखो 8-10 महीने से कोई भी कंपनियां नहीं चल रही हैं, चाहे वो अच्छी हो पेनी स्टॉक हो, चाहे निफ्टी फिफ्टी हो, लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, कोई भी कंपनी हो एक्स वाई जेड नहीं चल रही है पिछले 8-10 महीने से। तो ये भी नहीं चले, पेनी स्टॉक तो बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, तो ये भी नहीं चल रहा है। और 8-10 महीने से कंपनियां चल नहीं रही है, तो भैया कंपनी को भी तो प्रॉब्लम होती है। इस वजह से पैसों की कमी है, छोटी कंपनी के पास में पैसों की कमी, तो इस वजह है, तो नीचे जाने के लिए कोई जगह नहीं। ऐसी कंपनियों में बड़े बड़े निवेश है, जो निवेश करती हैं, बड़े बड़े हस्तियाँ पेनी स्टॉक में बहुत ज़्यादा रिस्क देती हैं, लेकिन रिटर्न भी वही देती हैं। चलते हैं तो चलते हैं, रुक जाते हैं तो रुक जाते हैं, अच्छी खासी रैली देखने को मिल जाएगी जिनके पास में, बस वो उनको होल्ड ही करना है, क्योंकि इस टाइम पर पेनी स्टॉक नहीं चल रहे हैं। अब पेनी स्टॉकों में कभी भी रैली देखने को मिल जाएगी, तो आप टाइटली होल्ड कर लो, कंपनी कभी भी है बाउंस पे कर सकती है। आई होप सारी बात समझ के होंगे दोस्तों, थैंक यू।